यार आप लोग मेरे साथ एक बार 1950s के इंडिया में चलोगे, वहाँ के बारे में एक बार सोच के देखो। देश नया नया आज़ाद हुआ है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, गरीबी है देश में, और महिलाओं की कंडीशन पुरुषों के कंपैरिजन में तो और ख़राब है। उन्हें घर पे रहना होता था मोस्टली, ज़्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी। ऐसे में उस समय किसी आम इंसान के लिए स्टार्टअप खोलना तो बहुत बड़ी बात थी, प्लस अगर वो सारी महिलाएँ हों और वो स्टार्टअप की बात करें तो लोग हंसने लगते थे। और ऐसे में 1950s के दौर में 7 महिलाएं मिली, उन्होंने घर की छत पे इकट्ठा किया खुद को, 80 रुपए मिलाए और दाल वगैरह लाके पापड़ बनाना शुरू करा। और फर्स्ट डे से ही ये स्टार्टअप प्रॉफिटेबल था और इस स्टार्टअप का नाम था लिज्जत पापड़। दरअसल ये महिलाएं मोस्टली गुजराती थी और लिज्जत का मतलब गुजराती में होता है टेस्टी। और आज ये बिजनेस 16,000 करोड़ रुपए की एक कंपनी बन चुकी है, जो कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग अलग सामान एक्सपोर्ट करती है। और इन्होंने क्या किया ये समझने के लिए मैं आपको एक अलग तरह से कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसी चीज़ें जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो बड़ी कूल कर रखी हैं, मगर इसको कूल बनाने वाले 1950s में ये महिलाएँ थीं। और उस समय भारत में इन सब चीज़ों के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। ऐसे में पहली चीज़ है वर्क फ्रॉम होम। अरे देखो भाई, आजकल कोविड चल रहा है, लोग घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लॉकडाउन लग गया है, कोई बड़ी नई सी चीज़ लगती है, कई लोगों ने तो पहली बार वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ का नाम सुना है। तो वर्क फ्रॉम होम को कूल बनाने वाली थी लिज्जत पापड़। इन्होंने क्या करा, इन्होंने महिलाओं को इकट्ठा करा और जितनी महिलाएं इन्होंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करी, सबसे कहा कि आप अपने अपने घर में पापड़ बनाओ और हमें आके सबमिट कर देना। तो ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है, ये लिज्जत पापड़ की कोर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा था। दूसरी चीज थी विमेन एम्पावरमेंट। आज बड़े बड़े पोस्ट लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट अगर आप यूजुअली देखो, ये वो सारे लोग हैं जो अर्बन यूथ हैं, जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो अपने एसी के कमरे में बैठकर तमाम सारा ज्ञान देते हैं। मगर वो महिलाएं जो कि देश के कोने कोने में बैठी हैं, जिनके साथ सच में उन्हें पता भी नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके काम क्या हैं, उनको 1950s में जब महिलाओं का बाहर जाकर काम करना मुश्किल होता था, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ऐसी महिलाओं का नेटवर्क खड़ा करना जो कि अपने घर पर बैठकर पैसा कमा सकती हैं, वॉज द ट्रू विमेन एम्पावरमेंट। और आज ये एम्पावरमेंट बढ़ते बढ़ते 40,000 से ज्यादा महिलाओं के नेटवर्क में तब्दील हो चुका है, जो लिज्जत पापड़ के लिए काम करती हैं। तीसरी चीज थी ईसॉप्स। ईसॉप्स आजकल बड़ा कूल सा टर्म है, आप अगर स्टार्टअप ट्विटर पे देखोगे तो मोस्टली ये लोग बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब होता है एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। इसमें क्या होता है कि कंपनी आपको कंपनी के कुछ स्टॉक दे देती है, यानी कि आपको एक तरह से कंपनी का छोटा सा मालिक बना देती है। और इससे फायदा ये होता है कि भाई अगर कंपनी ग्रो हो रही है तो एम्प्लॉयज़ का भी फायदा है, इसीलिए उनको काम के लिए प्रेशर नहीं देना पड़ता, वो खुद काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनके काम से कंपनी ग्रो होगी तो उनका शेयर में भी प्रॉफिट मिलेगा। और इस मॉडल को लिज्जत पापड़ ने डे वन से शुरू कर दिया था। इसे इन्होंने कोऑपरेटिव मॉडल बुलाया और इन्होंने कहा कि जितनी भी महिलाएं हमारे साथ नेटवर्क में जुड़ी हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो हमारे ओनर्स हैं। अगर कंपनी का मुनाफा होगा तो उनका मुनाफा होगा, कंपनी का घाटा होगा तो उनका घाटा होगा, और कभी ज़्यादा मुनाफा हुआ, किसी एक सेंटर ने बहुत अच्छा काम करा, किसी एक घर से बहुत ज़्यादा पापड़ निकले, उनकी ज़्यादा बिक्री हुई, तो उनको सोने का सिक्का देने का चलन था, ताकि वो उस समय भाई शादियों वगैरह में सोने का सिक्का कितना महत्व रखता है। तो इस तरह से इन्होंने कंपनी को बिल्ड करा। ई शॉप, जिसे आज स्टार्टअप ट्विटर इतना ज़्यादा हाइप बनाता है, कूल समझता है, ये 1950s से चला आ रहा है लिज्जत पापड़ के अंदर। चौथी चीज़ थी प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागने लगो तो आपकी कंपनी सिर्फ मनी ड्रिवन हो जाती है और आपकी कंपनी के लोग इधर उधर छटने लगते हैं, उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आता कि कंपनी का डायरेक्शन क्या है, क्या पैसा कमाना हमारा डायरेक्शन है या कोई वैल्यू ऐड करना हमारा डायरेक्शन है। लिज्जत पापड़ शुरुआत के पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल था और आज भी अच्छे खासे प्रॉफिट पर ऑपरेट करता है, मगर इनका पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं था। इन्होंने कहा कि हम 40,000 से ज़्यादा महिलाओं का नेटवर्क अगर बना रहे हैं तो हम उन्हें इतना ड्रिवन बनाएंगे कि वो अपने आप ऐसा काम करें, अपने आप कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं कि कभी हमें इसके बारे में सोचना ही ना पड़े कि प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इस एक सिंपल गोल से, इस एक सिंपल ऑब्जेक्टिव के थ्रू इन्होंने अपनी कंपनी को हमेशा प्रॉफिटेबल रखा। और पांचवा और आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा, वो आप सुनकर थोड़ा सा हैरान रह जाओगे। देखो, अगर आप अलग अलग महिलाओं को जोड़ रहे हो जिनका बैकग्राउंड अलग है, जिन्हें कोई समझ नहीं है कि पापड़ कैसे बनता है, कैसे बिकता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन एक टफ प्रोसेस होता है। आजकल आप मैकडी में किसी भी सेंटर पे जाओ, इतने सारे फ्रेंचाइजी उनके खुले हुए हैं, बट हर जगह जो एक बर्गर है उसका टेस्ट सेम रहता है, उसका बन सेम होगा, उसकी आलू की टिक्की का जो कुकिंग है वो भी एकदम एक जैसी होगी, उसमें लेयरिंग भी बिल्कुल एक जैसी होगी। और ये चीज़ 1950s में महिलाओं को जोड़कर उनके घरों में पापड़ बनवा कर मेंटेन करनी कितनी मुश्किल थी।
इसके लिए इन्होंने सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने कहा कि पापड़ में सबसे खास बात क्या होती है, वो होता है उसका डो। डो मतलब कि जिससे वो गूंथ के बनाया जाता है, उसका टेस्ट पापड़ के टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने कहा कि हम सेंटर रखेंगे, एक सेंट्रलाइज तरीका रखेंगे, यहाँ से महिलाएँ आएंगी, अपना डो कलेक्ट करेंगी और अपने घर पे ले जाएंगी। तो ये महिलाओं को बसों से लाते थे, पिछले दिन के जो उन्होंने पापड़ बनाए वो यहाँ पे सबमिट होते थे एक विंडो पे, अगले विंडो पे उनको उसी पापड़ का तुरंत पेमेंट मिल जाता था कि कोई ये चक्कर नहीं है कि आज आपने काम करा आपको एक महीने बाद पेमेंट मिल रहा है, दो महीने बाद मिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, तुरंत उसी दिन के काम का उसी दिन पेमेंट, और अगली विंडो से वो अगले दिन के लिए डो जो होता है वो कलेक्ट कर लेती थी। इसके साथ ये उनको रोलिंग पैड भी देते थे ताकि पापड़ की जो वेट है, विड्थ है, जो उसकी सरफेस एरिया है, वो सब एकदम स्टैंडर्डाइज रहे। और बीच बीच में कुछ इन्होंने रैंडम इंस्पेक्शन पॉइंट रखे हुए थे कि आप अपने घर पे पापड़ बना रहे हैं तो एकदम से कोई इंस्पेक्शन के लिए आ गया ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई आपका काम कैसा चल रहा है, सफाई कैसी है, ऑयल कौन सा यूज हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन को बहुत ज्यादा मेंटेन रखा, इसीलिए इनकी क्वालिटी कंट्रोल एकदम टॉप नॉच सी पहले दिन से ही। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, उसे कहा जाता है खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। अब दही और घी ये तो लोग मोस्टली 1950s में घर पे बना लेते थे, अचार भी हमारी दादी लोग वगैरह घर पे रख लेती थी। पापड़ बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, उसके लिए आपको प्रॉपर धूप चाहिए, एक पर्टिकुलर मौसम में आप बना सकते हैं, और पापड़ बेलना तो अपने आप में एक मुहावरा है कि कितना मुश्किल काम है। इसीलिए पापड़ एक ऐसा नाजुक पेन पॉइंट था जिसे इन महिलाओं ने आइडेंटिफाई करा और पापड़ बेचना शुरू करा। आज के दिन तो ये बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं भारत के अंदर भी, और विदेशों में भी इनका माल सप्लाई होता है। और ये सारा कुछ संभव हो पाया एक यूनिक आइडिया से, जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट का एक बेजोड़ एग्जाम्पल प्रेजेंट होता है। आपने लज्जित पापड़ की कहानी पहले भी सुनी होगी, बट मैंने कोशिश करी कि मैं एक अलग तरह से आपको इस कहानी को सुनाऊं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अगर आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कॉमेंट में अपने थॉट्स जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज अहेड, एंड आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।